हेलो एवरीवन वेलकम टू सीएम फिजिक्स आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मेरा कोशिश रहेगा इस, रहे इस लेक्चर के अंदर कि बेसिक से लेके कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से लेके प्रॉपर न्यूमरिकल बेस्ड क्वेश्चन तक सारे के सारे कैटेगरी के क्वेश्चन कवर किए जाए इसके अंदर राइट तो लगभग थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन हम लोग अगले एक घंटे के अंदर कवर करने वाले हैं सब लोग अच्छे से अपना पेन पेपर ले, ले रखना वहाँ पर निकाल के रखना सो so दैट आप लोग हर क्वेश्चन के अंदर नोट्स बनाते चलोगे राइट देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पी एन जंक्शन डायवोड इज ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नियर दी जंक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर दी जंक्शन डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर दी जंक्शन इंक्रीमेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नियर जंक्शन तो यहाँ पे देखो आपके पास एक पी एन जंक्शन डायवोड है अभी ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके आपको एक पैटर्न दिखाई देगा इसीलिए पहले मैं प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एन जंक्शन डायवर्ट दिया है आपको यहां पर क्या है आपके पास होल है राइट right? यहां पर होल है आपके पास और राइट right साइड पे क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी कैरियर्स अभी क्या होगा जैसे ही ये दोनों को कनेक्ट करेंगे ये होल फ्रॉम पी विल डिफ्यूज एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन विल डिफ्यूज तो उसकी वजह से क्या होगा होल राइट right में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चले जाएंगे इसीलिए पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बनेंगे एंड यहां पर क्या होगा लेफ्ट साइड पर यहां पर नेगेटिव आयांस बनेंगे एंड ये जो रीजन होता है आयांस का इसके अंदर आपको कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा दिस रीजन इज फुल ऑफ डिप्लेटेड चार्ज कैरियर्स इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर नाम दिया गया है इसको राइट right? ये वाला पॉइंट पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आपका डिप्लेशन रीजन है उसके अंदर क्या देखो सिर्फ आयस स्टैटिक आयंस जो मूव नहीं कर सकते वो स्टडिक आयस क्या करेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट कहाँ से कहाँ राइट टू लेफ्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत काम आने वाला है देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है यहाँ पर जो चार्ज कैरियर का फ्लो है ना उस चार्ज कैरियर के फ्लो को अपोज करता है उसकी वजह से आपका करंट रिड्यूस होता है करंट जीरो होता है मतलब अगर आपको डायोड में से करंट चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाना पड़ेगा और राइट ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहाँ से आएगा बैटरी से आएगा तो उसके लिए दो बायसिंग है एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग एक है रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट डिक्रीज होता है सो दैट करंट इंक्रीज होगा रिवर्स बायसिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो करंट भी क्या होगा डिक्रीज होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इसका मीनिंग क्या है डिप्लेशन रीजन का साइज भी बढ़ रहा है ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना है अच्छे से डिप्लेशन रीजन के रिलेटेड ऑप्शन देखो कॉन्सनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नियर दी जंक्शन ये गलत है बाद में नहीं नहीं देखते हैं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर दी जंक्शन नहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है डिप्लेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस नियर द जंक्शन नहीं है इंक्रीमेंट इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन नियर दी जंक्शन ये भी गलत है मतलब सही कौन सा है कॉन्सनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नियर दी जंक्शन राइट ये था आपका पहला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं वन पार्ट ऑफ अ डिवाइस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड अदर पार्ट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल इफ देयर एंड्स आर नाउ ऑल्टर करंट डज नॉट फ्लो इन अ सर्किट देन द डिवाइस इल तो उसका आंसर है पी एन जंक्शन डायोड क्यों क्योंकि हमें पता है कि पी एन जंक्शन डायोड का अगर हम लोग बायसिंग चेंज करेंगे फॉरवर्ड टू रिवर्स जाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होता है क्या नहीं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज जंक्शन डायोड राइट क्वेश्चन नंबर थ्री डिप्लेशन लेयर हैज इलेक्ट्रॉन्स होल्स स्टैटिक न्यूट्रल आइटम्स अभी एक्सप्लेन किया था कि उसके अंदर क्या होता है स्टैटिक आयस होते हैं राइट ना इलेक्ट्रॉन ना होल उसके अंदर स्टैटिक आयस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन नंबर फोर इन अ एन जंक्शन हाई पोटेंशियल

तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना वो कहाँ से कहाँ जा रहा है एन से लेके पी तक जा रहा है right? राइट मतलब हमें पता है देखो अगर ये डिस्टेंस डिप्लेशन रीजन का विथ डी है तो वी कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है ई मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी है एंड डेल्टा वी मतलब शियल माइनस लोअर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर पोटेंशियल से कहा जाएगा लोअर पोटेंशियल मतलब एन साइड पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा ज्यादा होगा पी साइड पे कम होगा राइट right? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फोर अगेन देखो डिप्लेशन रीजन का ही क्वेश्चन था नेक्स्ट रिवर्स बायास अप्लाइड टू अंक्शन डायउ लोअर्स पोटेंशियल बैरियर रेज इज द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज इज द मेजोरिटी कैरियर करंट इंक्रीजेज द माइनॉरिटी कैरियर करंट ओके यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या है ये आपका जंक्शन है हम लोगों ने क्या अप्लाई किया यहाँ पर रिवर्स बायस रिवर्स मतलब पी को यन एंड यन को पी लगा पॉजिटिव लगा दिया मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलावा अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपके पास ई है डिप्लेशन रीजन के अंदर मतलब यहाँ पर डिप्लेशन रीजन के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इट दी पोटेंशियल बैरियर राइट ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स पे अगेन देखो बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पी एंड जंक्शन पे बैरियर पोटेंशियल का ही क्वेश्चन है तो बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पी एंड जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन क्या क्या ऑप्शन है डायोड डिजाइन टेम्परेचर फॉरवर्ड बायस डोपिंग डेंसिटी तो इसका आंसर है डायोड डिजाइन देखो For, अगर आप लोग बायसिंग चेंज करोगे तो हमें पता है पोटेंशियल बैरियर तो घटने वाला है फॉरवर्ड बायस में उसका वैल्यू घटेगा रिवर्स बायस में उसका वैल्यू बढ़ेगा मतलब ये बायसिंग तो नहीं आएगा टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी बायसिंग आपका चेंज होता है मतलब वहाँ पर भी क्या हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर बचता है डोपिंग डेंसिटी डोपिंग डेंसिटी की वजह से भी क्या होगा हमें पता है देखो अगर हम लोग डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है जिनर डायोड एंड जिनर डायोड के केस में जिनर डायोड भी पी जंक्शन डायोड है ना बट उसको रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि वो आपको क्या देगा रिवर्स करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज कॉन्स्टेंट वोल्टेज देने वाला है तो इसका मीनिंग है अगेन बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डोपिंग डेंसिटी राइट तो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो डायोड डिजाइन के ऊपर राइट right? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एप्लीकेशन ऑफ अ फॉरवर्ड बायस टू पी एन जंक्शन इंक्रीज इज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड इंक्रीज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन जोन इंक्रीज इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन वाइड एज द डिप्लेशन जोन अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है ना उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे देखो ये पी है ये वाला यन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ऐसा है फॉरवर्ड बायस किया मतलब बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर बैटरी का निगेटिव यहाँ पर तो ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो ऑप्शन बी क्या है इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन जोन ये गलत है ऑप्शन सी क्या है इंक्रीज इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन जोन अभी हमें पता है कि ई इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वी बाय डी होता है अगर ई e का वैल्यू ही घट रहा है तो डेल्टा वी भी क्या होगा घटेगा मतलब ये भी गलत है एंड बाद में ई e का वैल्यू घट रहा है तो डिप्लेशन जोन भी घटेगा ना तो ऑप्शन डी भी गलत है मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन द एन साइड राइट चलो क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर एट द बैरियर पोटेंशियल अगेन देखो बैरियर पोटेंशियल का क्वेश्चन द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल अमाउंट ऑफ डोपिंग टेम्परेचर ये रिपीट हुआ है लगभग क्वेश्चन देखा जाए तो बैरियर पोटेंशियल देखो हमें पता है कि अगर हमारे पास सिलिकॉन सेमी कंडक्टर हैं दो टाइप के सेमीकंडक्टर एक होता है सिलिकॉन एक होता है जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज और पोटेंशियल वोल्टेज जंक्शन पोटेंशियल कितना होता है पॉइंट सेवन होल्ट जर्मेनियम के लिए कितना होता है पॉइंट थ्री ओल्ट इसका मीनिंग क्या है बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमी मटेरियल पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अमाउंट ऑफ डोपिंग ये भी हमें पता है एंड तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर तो इसके लिए तीनों करेक्ट है मतलब करेक्ट क्या है ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन राइट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन पे क्या दिया है इन पी एन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग अफेक्ट्स ओनली रिवर्स रेजिस्टेंस अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस अफेक्ट ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन देखो टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा दोनों आपका फॉरवर्ड बायसिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है रिवर्स बायसिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है मतलब it affects the overall characteristic option d is a correct one right वही वही पैटर्न देखना आप लोग ऑब्जर्व करो रिपीट हो रहा है द इंक्रीज इन ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन अ एन जंक्शन इज ड्यू टू डिप्लेशन रीजन कब बढ़ता है किस केस में बढ़ता है रिवर्स बायस में राइट right. तो रिवर्स बायस ओनली फॉरवर्ड बायस में तो डिप्लेशन रीजन का वीट घटेगा रिवर्स बायस में बढ़ेगा राइट right. चलो अभी ये क्या है दोनों लिस्ट मैच करना है हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू लिस्ट वन में दिया है रेक्टिफायर स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर फिल्टर आपको सिर्फ एप्लीकेशन पता होने चाहिए चलो रेक्टिफायर का एप्लीकेशन क्या है इट कन्वर्ट्स ए सी इंटू पलसेटिंग डी सी तो है क्या ए सी इंटू डी सी वाला कोई ऑप्शन यूज टू कन्वर्ट ए सी वोल्टेज इंटू डी सी वोल्टेज तो ए का टू है राइट चलो यहाँ पे लिखता हूँ ए का टू है बाद में लिस्ट टू पे आ जाओ ईजी जाएगा यूज आइदर फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन कौन करता है स्टेप अपाउन ट्रांसफार्मर होता है मतलब जो सी है सी का ऑप्शन वन है यूज टू रिमूव एनी रिपल इन द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मतलब उसको जो रिपल्स है वेरिएशन उसको निकालने का काम कौन करता है फिल्टर तो डी का ऑप्शन थ्री है राइट बचा कौन फोर यूज फॉर कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज मतलब स्टेबिलाईजर दैट इजर तो ऑप्शन बी का ऑप्शन फोर है तो ये इसके साथ मैच करने वाला ऑप्शन कौन सा है देखो आपको आंसर मिलेगा सिर्फ एप्लीकेशन आप लोगों को पता होने चाहिए राइट चलो ये था आपका ये जो सेक्शन था ये पीएन जंक्शन कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे जिसमें देखो जितने भी लगभग हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए 11 के 11 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मैक्सिमम फोकस किसके ऊपर रखा था उन्होंने पीएन जंक्शन के अंदर भी जो डिप्लेशन लेयर है ना बैरियर पोटेंशियल है उनके उसके ऊपर ही उनका फोकस था कि बोलो बैरियर पोटेंशियल के अंदर कौन होता है राइट right, उसके राइट right में कौन है लेफ्ट में कौन है किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा रिवर्स बायसिंग करोगे तो क्या होगा बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा बाद में वो बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है या नहीं होता है तो मैक्सिमम लगभग ग्यारह में से दस क्वेश्चन ऐसे थे कि उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन ही बैरियर पोटेंशियल का था तो आपको क्या करना है अगेन पीएन जंक्शन डायोड है उसके अंदर भी आपको मेनली फोकस किसके ऊपर करना है बैरियर पोटेंशियल के ऊपर राइट right? जो जंक्शन बैरियर है उसके ऊपर फोकस करना है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा ये जो कैटेगरी था ये एक कैटेगरी वाले क्वेश्चंस आर सीईटी के लिए नीट के लिए जेई के लिए एप्लीकेबल है अप टू क्वेश्चन नंबर 11 राइट तीनों कैटेगरी के लिए अभी आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड तो एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो हमारे पास केसेस है है एक एक में होता सेंटर टैप रेक्टिफायर एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप में दो डायोड होते हैं एंड ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड होते हैं राइट right? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम फिफ्टी hertz में इन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन द रिपल विल भी ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब ये ईजी क्वेश्चन है तीनों केस में आ सकता है जेई में भी आ सकता है नीट में भी आ सकता है CET में भी आने के चांसेस बहुत सारे हैं हालांकि क्वेश्चन ही सीई लेवल का है सीई टी या नीट लेवल का देखो अभी यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ इनपुट का उसने क्या बोला इनपुट वोटेज इज फिफ्टी हर्ड्स हर्ट सप्लाई तो फिफ्टी हर्ट्स है मतलब अल्टरनेटिंग है तो ये आएगा ऐसे इसका जो टाइम पीरियड है देखो टाइम पीरियड है टीम मान लेना राइट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल क्या होता है टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी अगर इसी का मैं आउटपुट निकालू फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट निकालूँ तो आउटपुट कैसे आएगा ये पॉजिटिव तो सीधे आएगा निगेटिव भी इन्वर्ट होके आएगा मतलब देखो यहाँ पे कौन सा साइकिल रिपीट हो रहा है तो ये जो हाफ साइकिल है ना वही रिपीट हो रहा है मतलब अभी ये आपका टाइम पीरियड होगा टी डैश राइट तो पहले टाइम पीरियड टी था पूरा साइकिल का अभी टाइम पीरियड क्या हुआ टी डैश वही साइकिल रिपीट हो रहा है ना मतलब टाइम पीरियड क्या हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है राइट right? इसका मीनिंग क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा राइट और टाइम पीरियड भी कितना डिक्रीज हुआ हाफ हुआ मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो पहले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो अभी फ्रीक्वेंसी कितना होगा 100 हर्ट्स तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए याद रखो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी आता है हंड्रेड हर्ट्स एंड हाफ रेक्टिफायर के लिए फ्रीक्वेंसी आता है फिफ्टी हर्ट्स राइट हाफ वेवर रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता फुल वेवर रेक्टिफायर के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज होता है राइट right? चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं क्या दिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन If in a PN junction diode a square input signal of 10 volt is applied as shown, then the output signal across RL will be. सर्किट डायग्राम देखो डाइ डायग्राम के अंदर एक ही रेक्टिफायर है एंड इनपुट एक ही डायोड है एंड इनपुट कैसा है अल्टरनेटिंग सप्लाई राइट तो अल्टरनेटिंग सप्लाई मतलब क्या होगा ये जो डायोड है किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर रेक्टिफायर की तरफ काम कर रहा है चेक करते हैं अभी कैसा होगा देखो ये आपका यहाँ पर डिजिटल सिग्नल ये फाइव ओल्ड माइनस फाइव ओल्ड ऐसे दिया गया है आपको राइट ये माइनस फाइव है ये फाइव है ये आपका मीन लेवल जीरो का देखो जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल आता है यहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस होगा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा मतलब शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट है मतलब जो इनपुट पे वही आउटपुट पे आएगा तो देखो ये आपका मेन पोजीशन जैसे ये फॉरवर्ड हुआ ये क्या आएगा ऐसे आएगा एंड नेगेटिव साइकिल जब डायोड के सामने आएगा तो डायोड क्या होगा रिवर्स होगा रिवर्स मतलब ओपन सर्किट तो आउटपुट में कुछ आएगा क्या कुछ नहीं तो ये आपका आउटपुट ऐसे कुछ तो मिलेगा तो सिर्फ आपको पॉजिटिव मिलने वाला है आउटपुट के अंदर निगेटिव यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन राइट अभी यहाँ पर अगर हम लोगों ने डायवोड को उल्टा भी लगा दिया ना तो डायवोड को उल्टा लगाओगी तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा राइट नेगेटिव साइकिल वो पास करेगा पॉजिटिव साइकिल को ब्लॉक करेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन द सर्किट इसका आउटपुट बताना है आपको तो देखो डायोड कैसा है एक ही डायोड है मतलब हाफ एवर रेक्टिफायर है हाफ ही साइकिल को वो पास करेगा हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा राइट right? मतलब हाफ साइकिल वाला कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी इज ए करेक्ट वन राइट तो ये था आपका कौन से क्वेश्चन थे दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन कौन सा कैटेगरी है तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड। वो भी कौन सा सिर्फ रेक्टिफायर राइट right? अभी आता है नेक्स्ट कैटेगरी पे दैट इज आपको चेक करना आइडेंटिफाई करना है कि ड वेदर डायवोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस राइट तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाँ फ्रॉम दावोड सर्किट विच इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन तो अभी कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस तो देखो यहाँ पे दो केस आने वाले एक केस आता है यहाँ पे लिख देता हूँ एक केस आता है दा, आइडियल डायोड का एंड एक आता है प्रैक्टिकल डायोड का अगर आपके पास एक डायोड है मान लो ऐसे बोला गया कि एक आइडियल डायवड है तो आइडियल डायोड मतलब वहाँ पे जंक्शन कुछ नहीं होता वहाँ पर जंक्शन बैरियर नहीं होता वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट नहीं आएगा कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज़्यादा है ये एनोड ये कैथोड एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज मतलब वो होता है फॉरवर्ड बायस तो उस केस में तुम लोग डायोड को सिंपली क्या करोगे शॉर्ट करोगे राइट right? ये डायोड है एंड अगर एनोड वोल्टेज इज लेस दैन कैथोड वोल्टेज है और इक्वल टू कैथोड है तो वो होता है रिवर्स बायस तो उस केस में डायवोड को तुम लोग क्या करोगे ओपन करोगे बस इतना ही याद रखना है अगर ये आइडियल डावोड है तो राइट right? उसके बाद अगर मान लो प्रैक्टिकल डायवोड है तो उस केस में क्या करेंगे मतलब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि सिलिकॉन डायोड है जर्मिनियम डायोड है या डायोड का पोटेंशियल बैरियर कुछ सौ सौ दिया है पॉइंट फाइव वन वोल्ट ऐसे दिया है तो उस केस में अगेन प्रैक्टिकल डायोड भी दिखने के लिए ऐसे ही दिखाई देता है ना ये एनॉइड ये वाला है क्या थोड तो उसके अंदर देखो अगर एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज़्यादा है प्लस उसका नी वोल्टेज में उसके अंदर आपको एड ऐड करना पड़ेगा तो उसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायस एंड डायोड को तुम लोग क्या करोगे रिप्लेस करोगे बैटरी के साथ एंड बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो होता है उसका नी वोल्टेज और उसे कहा जाता है जंक्शन वोल्टेज अगर आपके पास सिलिकॉन है तो सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखना है रटना है और कोई ऑप्शन नहीं है एंड एनोड वोल्टेज अगर कैथोड वोल्टेज से कम है तो मतलब वो क्या है रिवर्स बायस है रिवर्स बायस मतलब क्या है उसको ओपन कर देना बस तो दोनों केस में देखो वेदर इट इज़ आइडियल और प्रैक्टिकल अगर डायोड रिवर्स है तो उसको ओपन कर दो बट अगर आ, फॉरवर्ड है तो आइडियल के केस में शॉर्ट करोगे एंड प्रैक्टिकल केस में उसको रिप्लेस करोगे किसके साथ बैटरी के साथ राइट right? चलो आते हैं क्वेश्चन पे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायवर्ड सर्किज विच डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो देखो आपके पास एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज पता होना चाहिए आपको तो ही आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन ए में देखो एनोड वोल्टेज कितना जीरो कैथोड वोल्टेज माइनस टू ऑप्शन बी में एनोड वोल्टेज जीरो कैथोड वोल्टेज टू ऑप्शन सी में माइनस फाइव माइनस टू ऑप्शन डी में क्या है यहाँ पर फाइव एंड फाइव एंड टूवल्व है राइट मतलब अभी चेक करो कौन बड़ा कौन छोटा जीरो इज ग्रेटर माइनस टू मतलब ये फॉरवर्ड बायस है जीरो इज लेस देन टू मतलब ये रिवर्स बायस है माइनस फाइव इज लेस माइनस टू मतलब ये रिवर्स बायस मतलब है तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन क्योंकि वही एक केस है जो फॉरवर्ड बायस है राइट right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ऑफ द डायवर्ड शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम विच वन ऑफ द डायवर्ड इज रिवर्स बायस तो देखो फर्स्ट केस में एनोड वोल्टेज जीरो है कैथोड वोल्टेज माइनस टेन है मतलब जीरो इज ग्रेटर देन माइनस टेन तो ये फॉरवर्ड बायस है ये सेकंड ऑप्शन में ये जीरो है ये प्लस फाइव है तो ये क्या होगा ज़ीरो इज लेस देन प्लस फाइव मतलब ये रिवर्स बायस है तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं कैथोड वोल्टेज प्लस फाइव है एनोड वोल्टेज प्लस टेन है मतलब एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड है मतलब ये फॉरवर्ड बायस है थर्ड केस में एनोड वोल्टेज -5 है कैथोड वोल्टेज -12 है मतलब -5 इज ग्रेटर देन -12 मतलब ये फॉरवर्ड बायस है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट देखा कितना इजी है ऐसे लगभग दस क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अभी ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो क्या दिया है फॉरवर्ड बायस डायोड इज कौन है फॉरवर्ड बायस यहां पर सारे डायोड लिखो कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स यहाँ पे एनोड माइनस चार क्या थोड़ा माइनस तीन माइनस चार इज लेस देन माइनस तीन मतलब ये रिवर्स बायस बाद में थ्री वोल्ट इज लेस देन फाइव वोल्ट मतलब ये रिवर्स बायस यहाँ पर माइनस टू इज लेस देन टू मतलब ये रिवर्स बायस यहाँ पे जीरो इज ग्रेटर देन माइनस टू मतलब ये फॉरवर्ड बायस तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन है ना सिंपल चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ये वाला देखो अगेन वैसा ही क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड पहला ऑप्शन चेक करते हैं थ्री इज देन फाइव मतलब रिवर्स बायस ऑप्शन बी जीरो इज ग्रेटर माइनस टू मतलब जीरो इज ग्रेटर माइनस टू मतलब फॉरवर्ड बायस यही तो चाहिए ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन माइनस फोर इज लेस देन माइनस थ्री मतलब रिवर्स बायस माइनस टू इज लेस देन माइनस टू मतलब रिवर्स बायस तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन राइट मूविंग टूअर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज तो देखो प्लस टू इज ग्रेटर देन माइनस टू फॉरवर्ड बायस टू इज लेस देन फोर मतलब रिवर्स बायस माइनस टू इज लेस देन टू मतलब रिवर्स बायस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री है मतलब ये भी रिवर्स बायस ही होगा तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन राइट कितना सिंपल है देखो इसमें क्या पूछा है विच ऑफ द डाइवोर्ट्स आर फॉरवर्ड बायस्ड राइट चेक करते हैं कौन से कौन से फॉरवर्ड है कौन से कौन से रिवर्स तो यहाँ पे एनोड वोल्टेज प्लस टेन है कैथोड वोल्टेज प्लस फाइव है मतलब फॉरवर्ड बायस यहाँ पर एनोड वोल्टेज माइनस टेन है कैथोड जीरो है तो माइनस टेन इज लेस देन जीरो मतलब ये रिवर्स बायस है ऑप्शन सी में एनोड वोल्टेज माइनस फाइव है कैथोड वोल्टेज माइनस बारह तो माइनस फाइव इज ग्रेटर देन माइनस बारह मतलब फॉरवर्ड बायस है ऑप्शन डी में ये जीरो है और ये प्लस फाइव है तो जीरो इज लेस देन फाइव मतलब ये रिवर्स बायस तो ऑप्शन ए एंड सी फॉरवर्ड है मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन राइट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हाँ अभी ये क्वेश्चन नंबर पंद्रह से लेके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक एक कैटेगरी हुआ क्वेश्चन का वो क्या था कैटेगरी कि आइडेंटिफाई करो कि डाइवर्ड फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस राइट बस इतना ही पूछा जाता है अगेन ये जो कैटेगरी है इसके क्वेश्चन सी लेवल नीट लेवल मेन्स लेवल तीनों में भी पूछे जा सकते हैं राइट right? अभी आते मूविंग टूअर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ एक बार पता चला फॉरवर्ड या रिवर्स तो पूछा जाता है कि बोलो करंट कितना आएगा वोल्टेज कितना आएगा तो यहां पे आपको होम्स लॉ का केवीएल के सी एल का इसका यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सर्किट तो कैसे होता है देखो <coughs> क्या बोला है करंट इन द सर्किट विल बी तो करंट सर्किट में कितना है आई करंट मतलब ये सॉरी बैटरी में से करंट कितना जा रहा है ये आपसे पूछा गया तो देखो आपके पास दो डायोड है डायोड डी वन ये वाला डायोड है डी टू आपको चेक करना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड है कौन सा डायोड रिवर्स तो ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस है डायोड डी टू क्या रिवर्स बायस मतलब डी टू रिवर्स है मतलब उसको पिक्चर में आएगा ही नहीं ना तो सिंपल क्या है डायवो डी वन को तुम लोग शॉर्ट करो डी टू को तो निकाल दो बीच में से ये 20 वोल्ट एंड यहां पर ये 5 वोल्ट तो ये 5 वोल्ट का सप्लाई ये 20 ओम है और ये 30 ओम है और ये वाला करंट आए अभी देखो करंट आई निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा ओम्स लॉ का आई इज इक्वल टू वी वी बाय आर कितना फाइव और आर दोनों रजिस्टर कैसे है सीरीज में तो ट्वेंटी प्लस थर्टी ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना फिफ्टी तो फाइव बाई फिफ्टी मतलब वन बाय टेन वन बाई टेन फाइव बाई फिफ्टी है ना ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन राइट तो जो फॉरवर्ड है उसको शॉर्ट करो जो रिवर्स है उसको ओपन करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पी एन जंक्शन डायोड विच वन इज करेक्ट अच्छा उसने बोला नहीं कि है कि फॉरवर्ड है रिवर्स उसने सिर्फ बोला है कि दोनों केस हो सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज आर इज वी वोल्टेज आर इज वी वोल्टेज आर इज वोल्टेज अक्रास अच्छा फॉरवर्ड एंड रिवर्स में हमें पता करना है कि आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा तो पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे तो फॉरवर्ड बायस अगर डायोड है मतलब डायोड को हम लोगों ने रिप्लेस किया शॉर्ट के साथ राइट ये आपका वोल्टेज वी अभी देखो ये क्या है इसमें से जो करंट फ्लो होगा वही करंट रजिस्टर में से जाएगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस आएगा रजिस्टर के अक्रॉस मतलब इन फॉरवर्ड बायस डायवर्ड विल गेट शॉर्ट सर्किटेड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आई रजिस्टर विल बी वी तो इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी ऑप्शन ए करेक्ट है और रिवर्स बायस में चेक करते हैं क्या होगा तो ये रिवर्स बायस में डायवर्ड को हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे तो ये हो गया आपका डायोड ओपन ये वोल्टेज भी ये रजिस्टर आर डायोड को ओपन किया रिवर्स बायस के अंदर उसके बाद <coughs> अभी क्या होगा करंट फ्लो का क्या नहीं करंट फ्लो मतलब नहीं होगा मतलब रजिस्टर क्या पोटेंशियल आएगा क्या नहीं तो किसके ये जो आपका वी पोटेंशियल है पूरा का पूरा किसके अक्रॉस चला जाएगा के अब डायोड के अक्रॉस चला जाएगा तो याद रखो फॉरवर्ड बायस में पूरा का पूरा पोटेंशियल कौन लेता है रिवर्स में पूरा का पूरा का पोटेंशियल ले रहा है यहाँ पर डायोड ले रहा है राइट बट ये आइडियल डायोड का डिस्कशन चल रहा है प्रैक्टिकल के लिए सिचुएशन अलग होता है वहां पर चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो अगेन सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है Two ideal diodes are connected by to a battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery. Battery कितना करंट दे रहा है? तो battery का ये positive है ये negative है। मतलब diode D1 forward होगा, diode D2 reverse होगा। तो D2 को निकाल दो picture में से, D1 को short करो और यहाँ पर एक रेजिस्टर आएगा 10 ओम का और ये आपका बैटरी है जिसका वोल्टेज है 5 वोल्ट खत्म इसमें से करंट कितना जाएगा? तो I is equal to V by R मतलब 5 by 10 मतलब 0.5 पॉइंट ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन समझे चलो आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 24 अ डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड ईएमएफ ऑफ 3.5 पॉइंट ओल्ड इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 ओल्ड अभी यहां पे ये यह नया पॉइंट आ गया देखो कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से द करंट इन द सर्किट विल बी तो उसने बोला है कि इफ़ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस डायोड इज पॉइंट फाइव वर्ल्ड मतलब ये आइडियल डायोड नहीं है तो अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो उसको बैटरी के साथ रिप्लेस करोगे कितना वोल्टेज के साथ पॉइंट फाइव के साथ तो पहले चेक करो फॉरवर्ड है रिवर्स तो देखो डायोड को ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए यहाँ पर 0.5 बट उसके अक्रॉस कितना कनेक्ट किया हम लोगों ने 3.5 मतलब डायोड तो फॉरवर्ड होगा डायोड फॉरवर्ड है मतलब उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग बैटरी के साथ राइट right? प्रैक्टिकल डायोड है तो ये है आपका 3.5 पॉइंट फाइव ओल्ट आपका है जीरो पॉइंट फाइव ओल्ट और ये रजिस्टर है हंड्रेड ओम तो इसमें से करंट कितना जाएगा अभी हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पर के तो आएगा प्लस थ्री पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस हंड्रेड आई इज इक्वल टू जीरो थ्री पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव कितना आएगा थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड आई मतलब थर्टी मिली एम्पियर ये इतना करंट है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन राइट नीट लेवल का क्वेश्चन सीई लेवल का भी क्वेश्चन तुम लोग मान सकते हो जेई का तो है ही आता है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन पे अगेन देखो अगेन इजी कैटेगरी क्वेश्चन सी लेवल का क्वेश्चन है सिर्फ समझ में आना चाहिए कंसीडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल द वैल्यू वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द आर ए बी विल बी तो देखो डायोड का एनोड चार ओल्ट पे है डायोड का कैथोड माइनस सिक्स ओल्ट पे है मतलब फोर इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स तो ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस है तो उसको निकाल दो शॉर्ट करो आइडियल डायवर्ड मान लो बाई डिफॉल्टे प्लस चार ओल्ट है और ये माइनस सिक्स ओल्ट है ये वन किलो ओम का रजिस्टर है मतलब थाउजेंड ओम तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम स्लॉट क्या होता है डेल्टा वी बाय आर होता है डेल्टा वी मतलब हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल तो फोर माइनस माइनस सिक्स डिवाइड बाय रजिस्टेंस कितना है थाउजेंड तो फोर प्लस सिक्स टेन तो यह आएगा टेन मिली एम्पियर तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा टेन मिली मतलब टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मतलब टेन टूथ पावर माइनस टू एम्पियर टेन पावर माइनस टू मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट वन समझे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है अभी देखो अगेन वैसा सेम क्वेश्चन है राइट right? अभी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा तुम ट्राई करना घर पे इजी है ना सिर्फ चेक करना है कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स कौन फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर डायोड डी टू इज फॉरवर्ड एंड डी वन इज रिवर्स राइट तो इसका आंसर आएगा टू पॉइंट फाइव चेक करना तुम लोग घर पे सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन हाँ ये थोड़ा अभी अलग है ये कैटेगरी द रीडिंग ऑफ एमीटर फॉर अ सिलीकॉन डायोड मतलब ये आइडियल डायोड नहीं है रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब करंट पूछा है तो सिलिकॉन डायोड अगर है तो पहले चेक करो कि फॉरवर्ड uh, है रिवर्स तो देखो सिलिकॉन का 0.7 होता है एंड जो सप्लाई है थ्री वोल्ट है थ्री वोल्ट इज ग्रेटर देन पॉइंट मतलब ये क्या आएगा फॉरवर्ड बायस बायस तो फॉरवर्ड है तो इसको रिप्लेस करोगे बैटरी के साथ एंड यहाँ पर ये 200 हंड्रेड ओम ये 0.7 पॉइंट वोल्ट और यहाँ पर एक 3 वोल्ट का बैटरी है राइट right? चलो के वी एल अप्लाई करो यहाँ पर देखो ऐसा डायग्राम इसके पहले भी आया था ना वो जीरो पॉइंट वोल्ट वाला तो I इज इक्वल टू इवन आपको के वी एल भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप लोग ओम्स लॉ के साथ भी सॉल्व कर सकते हो बट आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पता होना चाहिए दो सेल है तो उसका कम्बाइन कॉम्बिनेशन क्या आता है तो इस उससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली के वी यूज करेंगे प्लस थ्री माइनस जीरो पॉइंट सेवन माइनस टू हंड्रेड आई इज इक्वल टू जीरो मतलब टू पॉइंट थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड आई मतलब टू पॉइंट थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड इज इक्वल टू आई अच्छा टू पॉइंट थ्री मतलब क्या आता है वन पॉइंट वन फाइव इंटू टू द पावर माइनस टू आई तो ये क्या आएगा 11.5 पॉइंट फाइव मिली एम्पियर एलेवन पॉइंट फाइव ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन समझे ना चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो अभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2019 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद 20 में या 21 में अभी ये नीट में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं तो फिर भी आप लोग कंसेप्ट के लिए देख सकते हो ये वाला सीई में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्या बोला है जर्मिनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स कंडक्टिंग एट पॉइंट थ्री एंड पॉइंट सेवन वोल्ट राइट इन द फॉलोइंग फिगर इफ जर्मिनियन डायोड कनेक्शन आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाय तो देखो फर्स्ट केस में देखते हैं अच्छे से देखना अभी यहाँ पर ना इसको कैसे टैकल करना है ऐसे प्रॉब्लम को केस ए में देखो बारह वोल्ट सप्लाई कनेक्ट किया है जर्मेनियम सिलिकॉन के अगेंस्ट तो जर्मेनियम को कंडक्ट करने के लिए पॉइंट थ्री से ज्यादा चाहिए सिलिकॉन को कंडक्ट करने के लिए पॉइंट सेवन से ज्यादा चाहिए बारह वोल्ट ये दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है अभी सबसे पहले कौन फॉरवर्ड बायस होगा जर्मेनियम हो गया सिलिकॉन तो सबसे पहले जर्मेनियम होने वाला है तो देखो यहाँ पर आपके पास बारह वोल्ट है यहाँ पर जर्मेनियम है यहाँ पे सिलिकॉन तो जर्मेनियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया यहाँ पे 0.3 पॉइंट थ्री जर्मेनियम ने लिया ये सिलिकॉन के ऊपर बाद में आता है और बाद में ये जो वी नॉट है अभी यहाँ पे देखो 12 में से 0.3 किसने लिया जर्मेनियम ने तो बचा कितना 11.7 पॉइंट सेवन आउटपुट में आएगा तो फर्स्ट केस में वी नॉट कितना वोल्ट है एलेवन पॉइंट सेवन हाँ अभी देखो सिलीकॉन कहाँ गया तो ये जो सिलिकॉन है ये यहाँ पर सिलिकॉन है सिलिकॉन का रिक्वायरमेंट कितना है 0.7 पॉइंट सेवन का तो सिलिकॉन के एनोड पे 12 वोल्ट है कैथोड पे कितना है अभी 11.7 पॉइंट वोल्ट जर्मीनियम पहले ऑन हुआ है इसकी वजह से आउटपुट पे कितना अलेवन पॉइंट सेवन मतलब सिलिकॉन के कैथोड पे 11.7 तो सिलिकॉन के एनोड कैथोड का सब्ट्रैक्शन कितना आता है 12 माइनस अलेवन पॉइंट एंड सिलिकॉन को ऑन करने के लिए कितना चाहिए पॉइंट मतलब सिलिकॉन ऑन होगा क्या नहीं सिलिकॉन ऑफ हो जाएगा तो जर्मेनियम ऑन हुआ इसीलिए सिलिकॉन ऑफ हुआ एंड आउटपुट पे कितना वोल्टेज आएगा एलेवन पॉइंट सेवन वोल्ट सेकेंड केस में क्या बोला है उसने इफ द जर्मिनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स जर्मिनियम को उल्टा करो तो जर्मिनियम तो रिवर्स बनेगा तो उसका कुछ काम ही नहीं है फिर अगर रिवर्स बना तो जर्मिनियम रिवर्स हुआ तो वो पिक्चर में से चला जाएगा अभी कौन आएगा पिक्चर में सिलिकॉन तो सिलिकॉन शॉर्ट हो जाएगा तो ये सिलिकॉन डायोड है सिलिकॉन को रिप्लेस करो बैटरी के साथ एंड जर्मिनियम तो ओपन है यहाँ पे 12 वोल्ट दिया था इसने कितना लिया पॉइंट वोल्ट मतलब कितना आएगा आउटपुट में 11.3 पॉइंट थ्री ओल्ट वी नॉट है तो वी नॉट का वैल्यू 11.3 पॉइंट थ्री तो देखो पहले आउटपुट वोल्टेज 11.7 था अभी कितना आ रहा है 11.3 पॉइंट आ रहा है मतलब चेंज कितना हुआ है अलेवन पॉइंट सेवन माइनस एलेवन पॉइंट थ्री मतलब जीरो पॉइंट फोर ओल्ट का चेंज है समझें देखो कि थोड़ा सा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन बना ना है यहां पर अगेन देखो वही कैटेगरी यहां पे रिपीट हो रहा है सिर्फ थोड़ा सा अगेन इसके अंदर चेंज है सर्किट शोन बिलो टू आइडियल डायोड्स ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम रिवर्स रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी होता है इसीलिए तो ओपन सर्किट किया जाता है इफ द बैटरी वोल्टेज इज सिक्स ओल्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द हंड्रेड ओम रजिस्टर विल बी पहले आइडेंटिफाई करो कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स मैं सॉल्व नहीं करूंगा अगेन आपके लिए होमवर्क रहेगा आइडेंटिफाई करो कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स तो डी वन फॉरवर्ड डी टू रिवर्स है तो डी टू तो चला जाएगा पिक्चर में से बचा कौन डी वन अब डी वन को हम लोग सिर्फ शॉर्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है फॉरवर्ड रजिस्टेंस दिया है कितना फिफ्टी ओम तो डाइवन डाइवो डी वन, वन इज रिप्लेस बायिस्टर ऑफ वैल्यू फिफ्टी ओम राइट right, तो 50 ओम के साथ रिप्लेस करो एंड नॉर्मल अपना के वी एल नहीं तो ओम्स लो अप्लाई करके सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा आ, ये वाला क्वेश्चन हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या है देखो ये भी सेम क्वेश्चन है क्या बोला है फाइव ओल्ड बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई एजूम डी वन एंड डी टू टू बी ए नॉर्मल सिलिकॉन डायोड्स मतलब पहले चेक करो कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है डी वन फॉरवर्ड है डी टू रिवर्स है डी वन फॉरवर्ड है तो उसको रिप्लेस करो बैटरी के साथ सिलिकॉन डायोड है ना बैटरी कितना होगा पॉइंट सेवन का तो ये आ गया बैटरी ये टेन हो डी टू तो कुछ काम का है ही नहीं और यहाँ पे एक्स वाई के बीच में कितना है 5 वोल्ट है ये कितना है जीरो पॉइंट सेवन तो इसमें से करंट कितना आ जाएगा तो ये आएगा फाइव माइनस जीरो पॉइंट सेवन इज इक्वल टू टेन मतलब आई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन राइट चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखो थर्टी वन भी वैसा ही है एंड इसमें भी वही फॉरवर्ड रजिस्टेंस दिया फिफ्टी ओम का कर सकते हो तुम लोग ईजी है राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी ओके थोड़ा अभी अलग क्वेश्चन है देखो डायोड का पोजीशन उसने कुछ अलग जगह पे रखा है करते है सॉल्व इसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं देखो सिर्फ एनालिसिस अच्छे से करना है आपको राइट क्योंकि डायोड कहीं पर भी रख सकता है वो डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं ये टेन किलो होम रजिस्टर है ये भी टेन किलो अरे सारे टेन किलो है क्या ये भी टेन किलो है यहाँ पर थर्टी वोल्ट है डायोड डी है अभी क्या होगा देखो अच्छे रजिस्टर को नाम देते हैं ये R1 है मान लो ये R2 है मान लो ये वाला R3 है तो अभी ये जो आपका 30 वोल्ट है 30 वोल्ट से करंट निकलेगा वो रजिस्टर R1 में से पास होकर आगे आएगा और ये करंट यहाँ पर स्प्लिट होगा ना तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा देखो ये वाले पॉइंट ए, ए बी पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा थर्टी से थोड़ा कम होगा हालांकि होगा पॉजिटिव ही बट थर्टी से थोड़ा कम तो बट तो उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल है वी है ये पोटेंशियल की वजह से डायवर्ड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस तो डायवर्ड अगर फॉरवर्ड हो गया तो डायवर्ड को हम लोग किसके साथ रिप्लेस करेंगे इसको शॉर्ट करेंगे किया शॉर्ट हम लोगों ने तो वह शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ देखो ये आर टू एंड आर थ्री पैरल में आ गए तो इस डायग्राम को अगर हम लोग रिड्रॉ करें तो कैसे रिड्रॉ करें एक मिनट इसको इधर रिड्रॉ कर लेते हैं हम लोग हाँ इसको हम लोग रिड्रॉ करेंगे यहाँ पर आपके पास है थर्टी वोल्ट राइट यहाँ पर एक टेन किलो ओम का रजिस्टर है एंड यहाँ पर आपके पास टेन किलो ओम टेन किलोम पैरल में है तो उसका इक्वेलेंट कितना आता है फाइव किलो होम राइट अभी इसमें से कितना करंट जाएगा वो हमें फाइंड करना है तो ये कितना आएगा आई इज इक्वल टू थर्टी ओल्ट डिवाइडेड बाय वी बाय आर दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो पंद्रह किलो तो थर्टी बाय पंद्रह मतलब टू मिली एम्पियर तो देखो ये पाँच किलो ये पॉइंट यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है तो उसने क्या पूछा है ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना एंड ये पाँच किलो में से कितना करंट जा रहा है टू मिली एम्पियर तो टू मिली इन फाइव किलो मतलब कितना टेन वोल्ट आएगा तो इसका आंसर है टेन वोल्ट ऐसा कोई ऑप्शन है क्या टेन ओल्ट ऑप्शन अभी आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे अगेन क्वेश्चन ड्रॉ करना है right? तो डायवोड है आपके पास जिसका जंक्शन पोटेंशियल दिया है पॉइंट फाइव ओल्ट द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू द 10 टेन मिलियमपियर मतलब डायोड में से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है टेन मिलिया ओके मैं मैक्सिमम वाला केस मान के चलता हूं इफ अ बैटरी ऑफ ई एम एफ वन पॉइंट फाइव वोल्ट पर इज यूज इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ मिनिमम रजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड सो दैट द करंट डज नॉट एक्सिड सेफ लिमिट तो यहाँ पर कितने वैल्यू का रजिस्टेंस कनेक्ट करें सो दैट सेफ लिमिट का वैल्यू यहाँ पर क्रॉस ना हो तो करते है सॉल्व अभी ये डायवोड फॉरवर्ड है तो डायवोड को शॉर्ट किया तो यहाँ पर क्या आएगा बैटरी आएगा पॉइंट फाइव उल्ट का के वी एल अप्लाई करो क्या आएगा ये वन पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस टेन मिली इंटू आर इज इक्वल टू ज़ीरो वन कितना वन इज इक्वल टू टेन मिली आर होगा तो आर का वैल्यू कितना है वन अपॉइंट टेन इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री मतलब पावर माइनस टू पर जाएगा तो टेन टूथ पावर टू मतलब हंड्रेड ओम तो ये है हंड्रेड ओम ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन राइट मूविंग टूअ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी का यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है आज का आ, क्या दिया देखो अगेन ये रिपीट हुआ है कैटेगरी का इसके पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया both the diodes in the use in the circuit are assumed to be ideal and have negligible resistance when these are forward biased. build in potential in each diode is 0.7 volt for the input voltages shown in the figure the voltages at point a is हाँ देखो ये जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था देखो जर्मिनियम डायोड एक था एंड एक सिलिकॉन एंड जर्मिनियम पहले ऑन होता था उसकी वजह से क्या हो रहा था सिलिकॉन रिवर्स बायस हो रहा था वैसे टाइप का क्वेश्चन है तो ये 12 वोल्ट है और यहाँ पर क्या है चार वोल्ट है ये पॉइंट ए है अभी इसका पॉइंट सेवन वोल्ट बैरियर है इसका पॉइंट सेवन वोल्ट बैरियर है अभी ये डाइवो डी वन अभी ये डाइवोड डी टू अभी डाइवो डी वन पर देखो डाइवोड डी वन के अक्रॉस कितना वोल्टेज है पॉइंट सेवन दिया कितना है बारह वोल्ट तो बारह में से पॉइंट सेवन तो डाइवोड ने लिया तो बचा कितना एलेवन पॉइंट थ्री पॉइंट तो नहीं 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 बारह पॉइंट सेवन है ना यहां पर एक मिनट एक मिनट यहां पर बारह पॉइंट सेवन ओल्ट है तो बारह पॉइंट सेवन में से पॉइंट सेवन तो डायवोड में लिया बचा कितना वो बचा हुआ पॉइंट ए पे आएगा बारह ओल्ट अभी डायोड D2 देखो डायोड D2 पे एनोड पे चार वोल्ट है कैथोड पे बारह वोल्ट है मतलब वो तो रिवर्स हो जाएगा रिवर्स होगा मतलब पॉइंट ए पे अगेन कितना वोल्टेज आएगा सिर्फ बारह वोल्ट तो इस क्वेश्चन का आंसर है बारह वोल्ट देखो डायग्राम के अंदर ही हम लोगों ने सॉल्व किया सिर्फ आपको पता सिर्फ आइडेंट जितने भी क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने उसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेदर डायोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस है तो कैसा पात्र रहेगा रिवर्स बायस है तो अपना कैसे पात्र रहेगा एक बार ये समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आने दो बेस्ड अपॉन पी एन जंक्शन डायवोड आप लोग सॉल्व कर सकते हो राइट right? तो ये आज के लेक्चर में मैंने जितने भी पी एन जंक्शन डायवोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के या जेई के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर किए उसमें से कुछ क्वेश्चन सीई टी लेवल के नीट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन अपने जेई लेवल के भी थे सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि पी एन जंक्शन के ऊपर इतने ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वेदर चेक वेदर डायोड, पहले तो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डायवर्ड बाद में चेक वेदर डायवोड इज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बाद में फोर्थ क्वेश्चन फाइंड करंट बाद में फिफ्थ क्वेश्चन दो डायवर्ड को मिक्स करेगा राइट right. उसमें भी क्या था एक डायोड की वजह से दूसरा डायोड रिवर्स बायस हो रहा है बस इतना ही कैटेगरी हो सकता है और क्या होगा इसमें तो सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करना ऐसे ही इसी इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे राइट right. तो आज के लिए बस करते हैं हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ थैंक यू एवरी